हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेप आईस मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स ये इनिशिएटिव हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है दैट इज़ फ्रॉम ट्वेंटी अप्रैल एंड आज हम ट्वेंटी अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पे हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को रेफर कर रहे हैं और हम डेली यहाँ पे एक तरह से न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे न्यूज़ के साथ साथ हम पूरे इशू को डिस्कस करेंगे एंड दैट टू इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जिससे आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो सके क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है है ना तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आज की जितनी भी न्यूज आई है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में और साथ ही साथ पीआईबी में उन सभी को डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहला so, पहला हमारी पहला हमारा क्वेश्चन पे है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स ठीक है यूएसए हैज़ रिसेंटली प्लेस्ड इंडिया ऑन करेंसी वॉच लिस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज दिस दिस इज द फर्स्ट टाइम वेन इंडिया वॉज प्लेस्ड इन दिस लिस्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज यू एस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी रिलीजेस दिस सेमी एनुअल रिपोर्ट वेयर इट ट्रैक्स करेंसी प्रैक्टिस ऑफ यू एस एस ट्वेंटी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स अब देखिए रिसेंटली एक न्यूज़ थी जिसमें कि इंडिया को यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वॉच लिस्ट में डाल दिया है कौन सी वॉच लिस्ट में करेंसी मैनुपलेटर्स की वॉच लिस्ट में तो यूएस का ऐसा दावा है कि इंडिया अपनी करेंसी को मेनुपलेट कर रहा है डीवेल्यूएट कर रहा है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और अपना जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है कि यस यूएस हैज रिसेंटली प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स करेंसी वॉचलिस्ट सो यस इट इज करेक्ट ओके देन यूएस हैज नॉट फर्स्ट टाइम पुट इट इनटू दिस ठीक है इससे पहले भी 2019 में ही को रिमूव किया गया था इंडिया को इस वॉच लिस्ट से लेकिन 2020 में वापस से इसे इस वॉच लिस्ट में डाल दिया गया था तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ओके इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी रिलीजेस दिस सेमी एनुअली तो इस रिपोर्ट को सेमी एनुअली यानी कि हर छः महीने में रिलीज किया जाता है जिसमें यूएस के जितने भी ट्वेंटी बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं उनकी करेंसीज को इवेल्यूएट किया जाता है रिव्यू किया जाता है कि कहीं यहाँ पर कोई डीवेल्युएशन तो नहीं हो रहा जिसके कारण जो कंट्री है इन क्वेश्चन वो कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं उठा रही तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग इंडिया पहली बार इस लिस्ट में नहीं आया है इससे पहले भी सो योर आंसर वुड बी बोथ सी एंड ओके थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट बोथ सी एंड ए अब इस न्यूज को डिटेल में देख लेते हैं यहां देखिए इस न्यूज uh, कटिंग में आपको दिख रहा कि यूएस करेंसी वॉच लिस्ट एंड इंकलूजन इंटू पॉलिसी देखिए यहाँ पे जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं ये हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अनूप वाधवान जी इनका कहना है कि यूएस ने जो इंडिया को अपनी करेंसी वॉचलिस्ट में डाला है ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का इंकलूजन करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चाइना जिसके ऊपर कई बार ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि वो अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट करता है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के के लिए और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तो इनका कहना है हम चाइना जैसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हम एक्चुअल में अपने आरबीआई के थ्रू अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हुए अपनी इकोनॉमी को बस बूस्ट कर रहे हैं हमने किसी भी अनफेयर मींस का यूज नहीं किया है ऐसा ये कह रहे हैं तो देखते हैं पहले तो कि अगर हम इंडिया जो है वो यूएस की करेंसी वॉच लिस्ट में आता है तो इसके क्या मायने हैं व्हाट इट मींस तो देखिए इंडिया के लिए इसके लिए क्या मायने हैं यहाँ पे आरबीआई के ऊपर प्रेशर रहेगा कि ये अपना जो इंटरवेंशन है उसे कम करें देखो बेसिकली मैं आपको पहले ये चीज बता दूँ आप यहाँ पे पढ़िएगा ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आपको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है कि देखिए यूएस जो है वो दो चीज़ों के कारण ऐसा कह रहा है पहला यूएस का दावा ये है कि एकदम से सडनली आर ने जो डॉलर्स है उसको पर चेस करना स्टार्ट कर दिया एंड आज की डेट में अबाउट फाइव परसेंट ऑफ द जीडीपी जो है वो डॉलर्स में है हमारे इंडिया के पास ओके okay. सेकेंड इनका दावा ये है कि इनका ट्रेड सरप्लस यानी कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस सरपलस विध रिस्पेक्ट टू यू एस बहुत तेजी से बढ़ा है आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो ट्रेड सरप्लस था वो ट्वेंटी थ्री टाइम्स uh, बढ़ गया है ठीक है 23 बिलियन डॉलर्स हो गया है जो पहले 5 बिलियन डॉलर्स हुआ करता था तो ये ट्रेड सरप्लस एक तो बड़ा है और एक डॉलर की परचेज़ बढ़ी है ये मानना है कि ये दोनों रीज़न से यूएस ने हमारे ऊपर ये जो uh, एक तरह से सैंक्शन नहीं बोलूंगी मैं वॉच लिस्ट में इंडिया को डाला है ठीक है करेंसी वॉच लिस्ट में तो इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे इंडिया में आरबीआई का जो इंटरवेंशन है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा आरबीआई के ऊपर कि आप अपना इंटरवेंशन कम कीजिए सेकेंड थिंग अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो देखो कोई डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई डायरेक्ट सेंक्शन नहीं है कोई ट्रेड सेंक्शन नहीं है यहाँ पे लेकिन एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी करेंसी की जो रेपूटेशन है उस पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा इकोनॉमी की बात करें तो देखिए अगर हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमें उसे अप्रिशिएट करना पड़ता है अगर तो वो अप्रिसिएशन जो हम करेंगे वो जो है ये राइजिंग ऑयल प्राइजेस के इम्पैक्ट को कम करेगा एंड आर के लिए इसके क्या मायने हैं आर को अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा मैंने आपको बताया कि यू मानता है कि आपने आर ने हमारे पाँच परसेंट मतलब डॉलर्स में आपने बहुत ज़्यादा खरीदी की है डॉलर्स को आपने बहुत ज़्यादा परचेज किया है और आपने इसको अबाउट फाइव परसेंट ऑफ योर जीडीपी बना दिया है ऐसा है यूएस का क्लेम तो इसीलिए आरबीआई को अपना जो रिजर्व है उसे डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा डॉलर्स की जगह इन्हें दूसरे मीन्स की तरफ जाना पड़ेगा अपने रिज़र्व को मेनटेन करने के लिए ओके तो ये है इसके मायने इसको और डिटेल में समझें अगर तो देखिए रिसेंटली यूएस ने सिर्फ इंडिया ही नहीं दस और कंट्रीज़ यानी कि टोटल ग्यारह कंट्रीज़ के ऊपर ये करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट में उनका नाम दिया है ठीक है बेसिकली ये करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट है जिसको मानता है यूएस एस कि इन कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की है अब इन कंट्रीज़ में कौन कौन है देखिए चाइना चा, चाइना का नाम पहले से ही बहुत बदनाम है इस चीज़ को लेकर यह पहली बार नहीं हो रहा है और चाइना के ऊपर बहुत बार बहुत सारे एक्सपोर्ट्स भी ये दावा करते हैं कि चाइना अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएट करता है उसके बाद जापान कोरिया जर्मनी आयरलैंड इटली मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड एंड मैक्सिको ये दस कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा जिन्हें यूएस ने अपनी करेंसी वॉचलिस्ट में डाला है ओके okay, इसके अलावा इंडिया इससे पहले दिसंबर 2020 में भी इस लिस्ट में शामिल था 2019 में इसे हटाया गया था इस लिस्ट से लेकिन 2020 में फिर से इसे इस लिस्ट में डाल दिया गया था अब देखिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कंट्री इन क्वेश्चन इज आर्टिफिशियली लोअरिंग इट्स वैल्यू ऑफ करेंसी टू गेन अनफेयर एडवांटेज तो यूएस ऐसा क्लेम कर रहा है कि जिन 11 कंट्रीज़ को उन्होंने इस करेंसी वॉचलिस्ट में डाला है वो आर्टिफिशियल तरीके से इंटरवेंशन करके अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर रहे हैं और इस डिवेल्यूएशन से उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा अब देखो ऐसा कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एक डॉलर जो है दैट इज़ इक्वल टू अबाउट सेवेंटी रुपीज़ ओके दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एक डॉलर जो है दैट इज इक्वल टू एट्टी रुपीज ठीक है तो जो ये दूसरा सिनेरियो है ना जिसमें एक डॉलर एट्टी रुपीज़ का है यहाँ पे इस कर हमारी करेंसी डिवेल्युएट हुई थी हुई है ठीक है यानी कि जो रुपयी है वो यहाँ पे डिवेल्युएट हुआ है क्योंकि पहले जब एक डॉलर सत्तर रुपये का था और अब एक डॉलर अस्सी रुपये का है तो यहाँ पे माना जाएगा कि रुपी जो है वो डिवेल्युएट हुई है अब क्योंकि रुपी डिवैल्युएट हुई है तो देखो अब यहाँ पे इम्पोर्ट कम होंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे वो कैसे अगर मैं एक अमेरिकन हूँ ठीक है और अमेरिकन पर्सन जो है उसको कोई चीज़ मंगानी है इंडिया से तो जो चीज़ पहले एक डॉलर में सपोज एक चीज़ आती थी अब एक डॉलर में उससे ज़्यादा चीज़ें आएंगी ठीक है एक से ज़्यादा चीज़ें आएंगी इसीलिए अमेरिकन लोग इंडिया से सामान ज़्यादा बुलवाएंगे यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा सिमिलरली अगर मैं एक इंडियन हूँ और मैं अमेरिका से कुछ इम्पोर्ट कराना चाहती हूँ तो पहले मुझे जिस चीज़ के लिए सत्तर रुपये भरने पड़ते थे अब मुझे उसी चीज़ के लिए अस्सी रुपये भरने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कम करूँगी क्योंकि प्राइजेज यहाँ पे इस अकॉर्डिंग बढ़ गए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डीवेल्यूएशन से इम्पोर्ट घटेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसीलिए सरप्लस ट्रेडिंग होगी ठीक है जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है वो बढ़ेगा या फिर ट्रेड डेफिसिट घटेगा

वॉच लिस्ट में डालेगी तो देखो इनका एक क्राइटेरिया है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट के अंतर्गत ठीक है तो इस एक्ट के अंतर्गत तीन क्राइटेरिया है ठीक है अब यहाँ पे पहला क्राइटेरिया है सिग्निफिकेंट बायोलेट्रल ट्रेड सरप्लस जब यूएस के मुकाबले दूसरी कंट्री का ट्रेड सरप्लस हो जो कि इंडिया का है मैंने आपको बताया ट्वेंटी बिलियन ट्रेड सरप्लस है हमारा आज की डेट में सेकेंड है मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस तो करंट अकाउंट सरप्लस जब बहुत ज़्यादा हो जाए जब टू परसेंट ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा हो जाए तो उस केस में एंड थर्ड इज परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन तो यूएस मानता है इंडिया में आरबीआई का परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन है जिसके कारण आर आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को डिवैल्युएट कर रही है ऐसा यूएस का क्लेम है ओके okay, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने इन तीनों क्राइटेरियाज को नकारा है कि इंडिया इनमें से कुछ भी अनफेयर मीन से नहीं कर रहा है ओके okay. एंड इसके अलावा देखिए इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंट्री को इस लिस्ट में डाला जाता है तो उसके ऊपर सीधे तरीके से कोई भी सैंक्शन नहीं होता ना कोई ट्रेड सैंक्शन होता है ना कोई इकोनॉमिक सैंक्शन होता है लेकिन जो फाइनेंशियल इमेज है उस कंट्री की वो थोड़ी बिगड़ जाती है उसकी रेपुटेशन क्वेश्चनेबल हो जाती है ओके okay. तो ये हमने एक इशू डिस्कस किया पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम रिस्पोंड प्रोग्राम ज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम विच इज रिस न्यूज इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई इन वेक ऑफ कोविड पेंडेमिक्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स इन प्रीमियर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट लेबर्स इन नेटिव एरियाज और नन ऑफ द अब तो इसका आंसर है सेकेंड दैट इज इस्टैबिंग स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ठीक है सेल्स इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अब देखिए रिस्पॉन्ड प्रोग्राम जो है ये इसरो का प्रोग्राम है और इसरो का प्रोग्राम जो है ये इसमें ये क्या करता है इसरो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए या रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को इस्टेब्लिश करता है और एक तरह से इसरो यहाँ पर क्या चाह रहा है इसरो यहाँ पर चाह रहा है जो रिसर्च सेंटर्स हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे उसको मदद मिल सके स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स इस इशू को डिटेल में अब हम डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये न्यूज़ कटिंग दिख रही है ये इसरो की इसरो प्लान कर रहा है आईआईटी दिल्ली में कुछ प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने के लिए अंडर रिस्पॉन्ड प्रोग्राम ठीक है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की तो देखो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम में इसरो बेसिकली जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स बनाएगा और ये स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स अल्टीमेटली इसरो को ही हेल्प करेंगे इन वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स ओके और ये जो प्रोग्राम है ये नाइनटीन से चालू है चल रहा है तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे देखो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम जो है ये स्ट्रांग लिंक्स को स्टैब्लिश करता है प्रीमियर अकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ ओके okay. और यहाँ पे रिसर्च कैरी आउट करवाएगा या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा जो भी स्पेस से रिलेटेड होंगे ओके okay. और आरएनडी में हेल्प करेगा तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमिक बेस को अपने एनहांस कर सकें ह्यूमन रिसोर्स जनरेट कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर सकें और बेसिकली अकेडमिक इंस्टीट्यूशन को भी स्पेस एक्टिविटीज़ में बढ़ावा दिया जा सके एनकरेज किया जा सके और इसरो इसके थ्रू एक नेसेसरी टेक्निकल फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है और यहां पे फेलोशिप भी दे रहा है इसरो थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन तो पूरा टॉपिक था जिसमें प्रोग्राम के के अंतर्गत इसरो अलग अलग प्रीमियर साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स बना रहा है अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कोलेबोरेट कर रहा है और बेसिकली स्पेस इंडस्ट्री में रिसर्च को इनक्रेज कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पहला है इट इज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ये इट इज़ जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन आती हैं उन सभी का जो विजिलेंस है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखता है इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट इन फेबर नाइनटीन सिक्सटी yes, ये सही है नाइनटीन में अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमेटी येस इट इज ऑल्सो राइट क्योंकि संथानाम कमेटी के अंतर्गत ही इसे बनाया गया था It is a statutory body now. यस इट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी क्योंकि 2003 में पहले जब देखो 1964 में इसे बनाया गया था तो इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत बनाया गया था लेकिन 2003 में इसके लिए अलग से एक्ट पास किया गया और इसे स्टेचुटरी स्टेटस दी गई अच्छा आपको पता होगा स्टेचुटरी मतलब क्या होता है स्टेचुटरी मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया हो ठीक है तो सी जो है पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था इसीलिए ये नॉन स्टैचुटरी था। लेकिन जब इसके लिए अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया 2003 में तो ये स्टैट्यूटरी बन गया ओके okay. तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी अबव अब देखिए ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिसेंटली सीवीसी ने आज की ही न्यूज़ है सीवीसी ने यहाँ पे क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने कहा है कि आप जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनका 3 महीने में निपटारा कीजिए विद इन 3 मंथ्स ओके okay. सो so, सी यहां पे इट इज़ द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड मैंने आपको बताया अब ये जो है सीवीसी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कहूंगी मैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुटरी हो जितने भी आपको लक्ष्मीकांत में दिए हैं उन सभी को आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि उसके ऊपर प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनता है अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है एक तो स्टेच्यूटरी बॉडी है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है कब इस्टेब्लिश की गई थी कौन से आर्टिकल में है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ठीक है रिपोर्ट किसको सबमिट करती है प्रेसिडेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर इसके अलावा कौन इनको अपॉइंट करता है कितना टेन्यो कितना टर्म होता है कितना टेन्योर होता है कैसे रिमूवल होता है इनका क्या फंक्शन है क्या पावर्स हैं ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ओके okay, अब यहाँ पे देखिए सी जो है ये किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अब आपको समझ में आ रहा होगा विजिलेंस का मतलब क्या जो इन्वेस्टिगेट करे ठीक है जो एक तरह से सतर्कता कहते हैं ना जिसको इन्वेस्टिगेट करे कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा ये सारी चीजें देखें ओके okay, अब यहाँ पे कंपोजिशन क्या है एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा अलोंग टू विजिलेंस कमिश्नर ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था ऐसा बीच में किया गया है तो दो विजिलेंस कुल मिला के तीन विजिलेंस ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी अब ये कमेटी में कौन कौन होता है एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं हमारे होम मिनिस्टर एंड लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन अभी देखिए जैसे अभी हमारे पास कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो कोई भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन

तो उस केस में रिमूवल होता है वरना नहीं हो सकता तो ये हमने इनकी जो बेसिक चीजें थी हमने वो समझ ली हैं और आपको इसी तरह से पढ़ना है हर इंस्टीट्यूशन को ओके okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया अनाउंस सेटिंग अपलेट्रल एयर बबल अरेजमेंट विथ विच कंट्री इंडिया ने एक बायलेट्रल एयर बबल अरेजमेंट बनाने का प्रपोज किया था तो वो किसके साथ और रिसेंटली यानी कि आजकल की ही न्यूज है ये तो देखिए इंडोनेशिया बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका सो so, या आंसर शुड बी श्रीलंका ठीक है देखो ये प्रपोज्ड था कि बायोलेट्रल एयर बबल बनाया जाएगा बायोलेट्रल एयर बबल का मतलब क्या है कि ये है इंडिया और ये है हमारा श्रीलंका तो इनके बीच में जो एयर ट्रेवल है वो चालू रहेगा इन दोनों के स्पेसिफिकली इन दोनों के बीच में ओके okay, और ये जो बायोलेट्रल एयर बबल अरेंजमेंट है ये रिलेट करता है स्पेसिफिकली विथ कोविड 19 पेंडेमिक ओके okay, तो कोविड 19 पेंडेमिक के लिए ही एक्सक्लूसिवली ये चीज है ये अरेंजमेंट किया जाएगा ठीक है तो ये पहले ऐसा प्रपोज था लेकिन क्योंकि कोविड केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अबाउट थ्री लैख हम क्रॉस करने वाले हैं थ्री लैख पे पहुंचने वाले हैं इंडिया की बात करें तो ट्वेंटी आवर्स में थ्री लाख केसेस होने वाले हैं तो इसको देखते हुए इसे अभी के लिए रोक दिया गया है पोस्टपोन कर दिया गया है ठीक है पर इसके साथ ये प्रपोज्ड था अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज कटिंग यहाँ की देखिए श्रीलंका इंडिया ट्रेवल बबल डिलेड ठीक है तो पहले यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का एक ट्रेवल बबल बनने वाला था और अब इसे डिले कर दिया गया है देखिए आप यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा स्पेशल फ्लाइट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लास्ट दो वीक पहले ऐसा प्रपोज था इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये प्रपोज किया था कि हम श्रीलंका के साथ एयर बबल अरेंजमेंट बनाएंगे लेकिन अब ये नहीं बन सकता क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो देखिए आप ये न्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रैवल बबल्स होते क्या हैं ठीक है अच्छा देखो एक चीज़ और बता दूं कि ये तो हमने इंडिया और श्रीलंका के बीच में है इंडिया ने ऐसा प्रपोज किया था पहले यूएस फ्रांस यूके के साथ भी लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस और यूके जो है वो इंडिया की जो एयर फ्लाइट है उसे बैन करते जा रहे हैं तो ये जो एयर बबल्स का सोचा था इंडिया ने वो अब विदड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यूके और यूएस जो है वो एयर फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया को बैन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो कोविड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च पे हैं ओके okay. अब ट्रैवल बबल्स की बात करें अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ही एयर बबल अरेंजमेंट नहीं हो रहा दूसरी कंट्रीज़ के साथ दूसरी और कंट्रीज़ भी ऐसा कर रही हैं जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा प्रपोज़ किया था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी एक ट्रैवल एयर बबल बनाएंगी उसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज़ ने भी ऐसा सोचा था अब बाल्टिक कंट्रीज़ में कौन सी तीन कंट्रीज़ आती हैं एक होती है एस्टोनिया एक होती है लातविया और एक आती है लिथुआनिया ठीक है तो इन तीनों कंट्रीज़ ने भी आपस में एक एयर बबल बनाने का सोचा था ओके अब ट्रैवल बबल का मतलब क्या है तो इस ट्रैवल बबल में क्या होता है कि स्टेट्स दैट हैव लार्जली एलिमिनेटेड द वायरस ये जो स्टेट्स या कंट्रीज जिन्होंने वायरस को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया है वो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं जिनको ट्रस्ट होता है एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ पे टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट कैपेबिलिटीज़ पे तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और श्रीलंका की हमने बात करी तो इंडिया और श्रीलंका को ऐसा ट्रस्ट था एक दूसरे पे कि हम दोनों इस जो वायरस है पेंडेमिक है उसको टैकल कर लेंगे और हम हमारे सिटीजन या उनके सिटीजन से हमको खतरा नहीं है ओके okay. और ये जो है एक तरह से एयर ब्रिजेस होते हैं या कोविड सेफ ट्रैवल जोन्स होते हैं कोविड सेफ ट्रैवल जोन्स ठीक है आप इससे समझ सकते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका अब यहाँ पे देखिए ये उन कंट्रीज के बीच में होता है जिन्होंने फुल्ली या पार्शली आउटब्रेक को कंटेन कर लिया है और यहाँ पे देखो ये रेसिप्रोकल प्रोकल कंसेप्ट होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की फ्लाइट श्रीलंका में अलाउड है श्रीलंका की फ्लाइट इंडिया में अलाउड नहीं है दोनों फ्लाइट दोनों की फ्लाइट दोनों जगह अलाउड होंगी इसके अलावा बोथ डिपार्चर पॉइंट और अराइवल पॉइंट पे यहाँ पे अलाउड होगा ठीक है फ़्लाइट्स और इसके अलावा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसका मतलब क्या है कि अगर आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो जो भी पैसेंजर्स आएंगे उनकी टेस्टिंग होगी उनका क्वारंटाइन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें का मतलब है ये ठीक है तो ट्रैवल बबल्स के मायने क्या हैं क्या प्रिलिम्स में हमसे पूछ सकते हैं हमने आपको समझा दिया अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ट्रैवल बबल है क्या या एयर बबल क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोविड सेफ ट्रेवल जोन हैं, जिसमें दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी फ्लाइट्स को अलाउ करती हैं एक दूसरे कंट्रीज में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कम्पीट देअर क्लेम इन साउथ चाइना सी देखो साउथ चाइना सी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऐसा क्यों क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है अलग अलग तरीके से ओके okay. और साउथ चाइना सी एक तरह से बहुत बिजी लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना सिर्फ इकोनमिकली बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी ठीक है डिप्लोमेटिकली भी तो अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज अपने क्लेम्स कर रही हैं तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे क्लेम कर रही हैं अपने स्टेक्स अपनी टेरिटरी कौन कौन सी कंट्रीज क्लेम कर रही हैं ये आपका क्वेश्चन है सो ऑप्शंस आर चाइना वियतनाम फिलीपींस थाईलैंड एंड कम्बोडिया अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अगर मुझे इनकी लोकेशन भी पता है तो भी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती हूँ कैसे आपको पता है कम्बोडिया जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है और साउथ चाइना सी एक सी है ऑब्वियसली तो कंबोडिया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है उसका तो कोई स्टेक होना नहीं चाहिए सी वाले एरिया में ठीक है तो ये तो कैंसिल हो गया ठीक है तो अब देखो जिसमें भी ऑल ऑफ देखो ऑल ऑफ द अब नहीं है इसका आंसर ठीक है क्योंकि ई आ रहा है थाईलैंड जो है वो थोड़ा साइड में पड़ता है अगर आप ये मैप समझोगे तो यहाँ पे आपको कहीं थाईलैंड पड़ेगा ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे थाईलैंड पड़ेगा तो सीधा इसका रिलेशन नहीं है साउथ चाइना सी से तो थाईलैंड भी नहीं होगा चाइना वियतनाम और फिलीपींस सीधे तरीके से साउथ चाइना सी को घेरते हैं ठीक है सराउंड करते हैं इसलिए इसका आंसर भी होगा ओनली ए बी एंड सी तो देखते हैं किस किस का स्टेक है यहाँ पे कौन कौन अपना स्टेक क्लेम कर रहा है देखो चाइना का जैसा आपको पता ही होगा चाइना हर जगह अपना पूरा पूरा स्टेक क्लेम करता है तो चाइना ने ये नाइन डैश लाइन बना दी आपको ये डैश दिख रहा है ना ये नाइन डैश लाइन चाइना ने प्रपोज किया और बोला है कि ये जो नाइन डैश लाइन के अंतर्गत जितना भी एरिया है वो मेरा है ऐसा चाइना बोल रहा है लेकिन ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे वियतनाम का भी कुछ क्लेम है ठीक है फिर यहाँ पे मलेशिया भी कुछ अपना क्लेम कर रहा है यहाँ ब्रूनई अपना कुछ क्लेम कर रहा है यहाँ फिलीपींस अपना कुछ क्लेम कर रहा है फिर यहाँ वेट ताइवान अपना कुछ क्लेम कर रहा है तो कुल मिलाकर छः कंट्रीज हैं जो अपना कुछ कुछ क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी में ओके आगे देखते हैं अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है या फिर न्यूज में ये चीज क्यों थी साउथ चाइना सी न्यूज में क्यों है दुतरते ठीक है यहाँ पे ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कहा है कि मैं तो मिलिट्री शिप्स डिप्लॉय कर दूंगा अगर मुझे साउथ चाइना सी में कुछ भी दिक्कत दिखती है तो ठीक है तो इन्होंने बोला है कि ही इज विलिंग टू डिप्लॉय मिलिट्री शिप्स टू साउथ चाइना सी टू असिस द कंट्रीज क्लेम ओवर द डिपॉजिट इन अ कॉन्टेस्टेड एरिया ठीक है तो जो भी फिलिपींस हैं फिलिपींस कहाँ है पहले तो ये समझते हैं देखिए ये है फिलिपींस हमारा ठीक है फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पे मिलिट्री शिप्स अपनी डिप्लॉय कर दूंगा क्योंकि मुझे अपनी कंट्री के क्लेम्स को यहाँ पे सिद्ध करना है या फिर मुझे अपनी कंट्री का जो क्लेम है उसे अक्वायर करना है तो ऐसा बोला है इन्होंने तो ये इसलिए न्यूज़ में था अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ साउथ चाइना सी के बारे में यहाँ पे आता है यहाँ कुछ आएगा हमारा इंडिया इंडिया म्यांमार जो है इंडिया का इमीडिएट नेबर है ओके okay, पता होगा आपको म्यांमार और इंडिया की बाउंड्रीज टच करती हैं, अब यहां देखिए म्यांमार के बाद हम अगर इधर मूव करें ईस्ट में तो यहाँ है चाइना यहां है, है वियतनाम ओके okay, देखिए मैंने आपको बोला था सॉरी कंबोडिया मैंने आपको लैंडलॉक बता दिया था कंबोडिया लैंडलॉक नहीं है लाओस लैंडलॉग्ड है यहाँ है थाईलैंड ठीक है अब देखिए ये है हमारा मलेशिया तो यहाँ पे है हमारा चाइना ये है वियतनाम जो इस पे स्टेट क्लेम करता है मलेशिया ब्रू फिलीपींस और ताइवान देखो ताइवान को तो चाइना अपनी टेरिटरी ही मानता है ठीक है एंड ये बोलता है कि ताइवान मेरी ही टेरिटरी है तो ताइवान को अलग कंट्री मानता नहीं है तो अगर आप ऐसे देखें बहुत सारी और भी कंट्रीज़ ताइवान को अलग कंट्री के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करती तो ऐसे देखें तो पांच कंट्रीज़ हैं लेकिन अगर आप टेरिटरी वाइज़ देखें तो छह कंट्रीज़ हैं ओके अब यहाँ पे साउथ चाइना सी की लोकेशन देखें देखो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की एक आम है यहाँ पे पूरा वेस्टर्न यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन पड़ेगा और ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की आम है जो साउथ ईस्ट एशिया के आसपास लाया करती है और इसको कौन कौन सी कंट्रीज़ घेरती हैं ये भी आपने देख लिया ओके अब यहाँ पे देखिए

उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ है ताइवान स्ट्रीट ये देखिए यहाँ पे ताइवान के जस्ट पास में ताइवान स्ट्रीट है ओके okay, तो इस तरह से हमको किसी भी लोकेशन को समझना है नाउ चाइना ने क्या क्लेम किया चाइना ने क्लेम किया है लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टेरिटरी मतलब कि नाइन डैश लाइन जो है जो मैंने आपको पहले भी बताया नाइन डैश लाइन पूरी तरह से जो भी नाइन डैश लाइन के अंतर्गत एरिया आता है वो बोल रहा है चाइना की ये एरिया मेरा है ओके जो पूरा साउथ से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ तक स्ट्रेच हो रहा है ओके okay, अब ये पूरा है इशू अब देखते हैं हम यहाँ पे देखो यहाँ पे मेनली ओशन की टेरिटरीज के साथ साथ कुछ आइलैंड्स के ऊपर भी कंटेंश क्लेम्स हैं जैसे कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स हैं आइलैंड्स के ऊपर एक है परासल आइलैंड एक है स्पार्टली आइलैंड एक है स्कारबोरो स्कारबोरोके okay, तो ये तीन है मेनली आइलैंड्स परासल आइलैंड के ऊपर चाइना ताइवान वियतनाम तीनों क्लेम करते हैं अब देखो परासल आइलैंड कहाँ पे है ये सबसे ऊपर है आइलैंड ठीक है तो यहाँ पे देखिए परासल आइलैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे अच्छा ये देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कोई भी मैप पढ़ते ना तो नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट सब देखना है ठीक है आसपास कौन कौन सी टेरिटरीज हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ओके okay. तो यहाँ पैरासल आइलैंड है उसके उसके नीचे नीचे आप देखेंगे यहां है स्पार्टली आइलैंड आइलैंड और उसके भी नीचे आपको दिखेगा स्कारबोरो ओके okay. अब की बात करें तो यहाँ वुडी आइलैंड देखो इतना डीप डेप्थ में नहीं पूछता है लेकिन फिर भी सरफेशियल चीजें ज्यादा पूछता है प्रलिम्स में तो इसीलिए हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा तो साउथ चाइना सी में सबसे ऊपर है परासल आइलैंड जिसके ऊपर किस किस का क्लेम है चाइना ही यहाँ पे ठीक है ताइवान है यहाँ पे और उसके बाद वियतनाम है यहाँ पे तो इन तीनों का क्लेम है परासल आइलैंड पे फिर स्पाटली आइलैंड्स तो स्पाटली आइलैंड के ऊपर किस किस का क्लेम है चाइना का चाइना तो हर चीज पे क्लेम करेगा ओके तो चाइना का है ताइवान का है वियतनाम का है ठीक है ब्रूनई फिलीपींस हर किसी ने इस पे क्लेम करके रखा है क्योंकि ये काफी बड़ी टेरिटरी है तो इस तरह से हमको पढ़ना है और स्कारबोरो बोरोशोल जो है वो भी फिलीपींस ताइवान एंड चाइना का क्लेम है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम आप अब देखो अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि साउथ चाइना सी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो साउथ चाइना सी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत फेमस है कि ये बिजिएस्ट ट्रेड रूट है ठीक है कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वन थर्ड जो है टोटल ट्रेड वन थर्ड ऑफ द टोटल ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहाँ से होकर गुजरता है तो इसीलिए साउथ चाइना सी जो है इतनी ज़्यादा कॉन्टेस्टेड टेरिटरी है ओके okay. अब देखते हैं आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम इज अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नासा जाक्सा इसरो तो देखो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो है ये किन किन countries, किन किन कंट्रीज एजेंसीज का कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है तो नासा का है यस yes, यूएस की एजेंसी है ये रॉस्कोसमोस रशिया की एजेंसी है यस yes, इसका भी है जाक्सा जापान की है इसका भी है इसरो इंडिया ये नहीं है इसमें ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ओनली ए बी एंड सी क्योंकि नासा रॉस्कोसमोस और जाक्सा इसकी कोलेबरेशन में है ठीक है इसरो नहीं है लेकिन सिर्फ यही तीन नहीं दो और हैं इसके साथ एजेंसी जो इसके कोलैबरेशन में है देखो हम आगे पढ़ें उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं रशिया प्लान कर रहा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है उससे विड्रॉ करने का और अपना अलग से एक स्पेस स्टेशन बनाने का इसलिए रशिया रशिया ने यह कहा है कि इट विल लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2025। तो 2025 तक रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाह रहा है ओके okay. तो यहाँ पे ये विदड्रॉ करने के भी प्लान बना रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिलम्स के पर्सपेक्टिव से अब स्पेस स्टेशन क्या होता है सबसे पहले तो ये देखो स्पेस स्टेशन कोई भी हैबिटेबल एरिया होता है हैबिटेबल एरिया इन स्पेस जहाँ पे ह्यूमन क्रू जो ह्यूमन अर्थ से स्पेस में जाते हैं फॉर एनी पर्पज़ ठीक है अभी मैं पर्पज़ की बात नहीं करूँगी चाहे रिसर्च हो गया या स्पेस टूरिज्म हो गया जो भी है जिस भी पर्पज से ह्यूमन क्रूज ऊपर उप, स्पेस में जाते हैं वहाँ उन्हें एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो सांस ले सकें जी सकें तो ये एक तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हैबिटेबल मतलब जहाँ जिया जा सके तो हैबिटेबल आर्टिफिशियल सेटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में ओके और यहाँ पे ये मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है पांच स्पेस एजेंसीज का पांच स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं नासा हमने देखा ऑलरेडी रॉस्कोसमोस जो रशिया की है जाक्सा जापान की है ई एस ए यूरोप एंड सी एस ए कैनेडा ओके तो इन पांचों का कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये ओके एंड यहाँ पे जो ओनरशिप है और जो भी स्टेक uh, है स्पेस स्टेशन का वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है ठीक है या फिर उसे उसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया जाएगा नाउ ये जो है ये एक तरह से माइक्रो ग्रेविटी और स्पेस एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है इस लेबोरेटरी को स्पेस स्टेशन को तो एक तरह से माइक्रो ग्रेविटी लेबोरेटरी है ये स्पेस एनवायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और स्पेस फाइंडिंग्स में ये कंट्रीब्यूट करता है और एक और चीज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है ये स्पेस में ओके okay, और लार्जेस्ट सेटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में ठीक है जिसको आप नेकेड आइस से भी देख सकते हैं अर्थ के सरफेस से तो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है लो अर्थ ऑर्बिट में और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है स्पेस में ओके okay. इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अर्थ को एक बार रोटेट करता है अर्थ के अराउंड या सर्कल करता है उसे 93 मिनट्स में ठीक है 93 मिनट्स यानी 15 ऑर्बिट्स पर डे 15.5 ऑर्बिट्स पर डे दे। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रिलम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए ओके अच्छा अब देखो ये तो रशिया बोल रहा है कि रशिया अपना एक अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा ऐसे जो क्लेम्स है वो चाइना ने भी किए चाइना तो बहुत आगे बढ़ भी चुका है इसमें इंडिया भी ऐसे क्लेम्स कर रहा है जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है गगनयान प्रोजेक्ट एक तरफ से तरह से इसी की तरफ एक इनिशिएटिव है गगनयान प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ह्यूम्स को पहले अभी तीन ह्यूमंस को हम भेज के देख रहे हैं वहाँ पे और अगर ये हमारा जो इनिशिएटिव है जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होता है तो एक तरह से ये आगे के लिए फाउंडेशन रेडी कर देगा इंटर आ, इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए तो जो इंडियन स्पेस स्टेशन होगा बहुत छोटा होगा ठीक है अबाउट बीस टन का ही होगा मास में ओके और माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे कंडक्ट किए जा पाएंगे इंडिया प्लान कर रहा है 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा कंट्री होगा ठीक है आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना ओके okay. एंड यहाँ पे हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओनली फुल्ली फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन है अभी ठीक है तो एक ही स्पेस स्टेशन है हमारे पास जो फुल्ली फंक्शनिंग है स्पेस में और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है जो कि लार्जेस्ट बॉडी है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया बट बत ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओनली फुल्ली फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन है इसके अलावा इंडियन स्पेस स्टेशन जो है ये छोटा होगा बहुत ये भी मैंने आपको बताया गगनयान जो मिशन है ये इसी की तरफ एक इनिशिएटिव है जिसमें अभी हम बीस दिन के लिए भेज रहे हैं तीन अपने ह्यूमन क्रू को स्पेस में और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है जो होपफुली हो जाए उसके बाद हम इंडियन स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे अर्थ को ऑर्बिट करेगा ये 400 किलोमीटर की हाइट से एंड इसरो जो है इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिसको बोलते हैं स्पाडेक्स स्पाडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करेगा जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करने की ये टेक्नोलॉजी है ठीक है जिसका नाम है स्पेडेक्स तो अगर प्रीलिम्स में आता है कि व्हाट इज स्पेडेक्स रिलेटेड टू तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हमारा स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ एक कदम है जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस स्टेशन सॉरी एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर पाएंगे ओके okay. आगे बढ़ते हैं देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट खजुराहो टेम्पल अब खजुराहो टेम्पल क्यों न्यूज में थे ये न्यूज में थे क्योंकि रिसेंटली इनके ऊपर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया था किसके अंतर्गत अपना देश ठीक है देखो अपना देश स्कीम के अंतर्गत देखो अपना देश स्कीम में क्या होता है अपनी जितनी भी आर्किटेक्चरल या फिर कल्चरल कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की उसे हम शोकेस करते हैं और उसे एक तरह से उससे हम अपनी सॉफ्ट पावर जनरेट करते हैं विद इन एंड आउटसाइड इंडिया ओके okay. अब इसके बारे में आपको बताना है खजुराव टेम्पल के बारे में फिर हम पूरी न्यूज को डिस्कस करेंगे तो पहला स्टेटमेंट है इट वॉज बिल्ट बाय चंदेला डिनासिटी देन इट इज लिस्टेड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इट वॉज बिल्ड अंडर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो देखो

सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है येस इट इज अस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग हैज बिन गिवन टू खजुराहो टेम्पल्स इन सिक्स द्रविड़ा स्टाइल का आर्किटेक्चर है नहीं द्रविडा स्टाइल का आर्किटेक्चर नहीं है तो ये कौन सा आर्किटेक्चर है ये है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर तो इसका आंसर क्या होगा बोथ ए एंड बी क्योंकि चंदेल डिनास्टी ने बनाया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नागरा स्टाइल के आर्किटेक्चर में है इसीलिए थर्ड ऑप्शन खराब गलत है सी ऑप्शन जो है वो गलत है अब देखो खजुराहो के बारे में और चीजें देख लेते हैं सबसे पहले ये कहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये देखो अपना देश के अंतर्गत इसका वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था अच्छा देखो अपना देश भी किस स्कीम के अंतर्गत आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत ठीक है इस स्कीम के अंतर्गत देखो अपना देश आया और देखो अपना देश के अंतर्गत खजुराव के ऊपर वेबिनार लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अब खजुराव की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश में है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में ठीक है अब ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल मेडाइवल मॉन्यूमेंट है मेडाइवल एरिया एरा का मॉन्यूमेंट है ये और ये बेसिकली 950 फिफ्टी टू वन थाउजेंड में बनाया गया था मतलब लगभग टेंथ इलेवेंथ सेंचुरी में इसे बनाया गया था चंदेला डिनास्टी के द्वारा मैंने आपको बताया रूलर कौन थे ढंगदेव थे मेजोरिटी ऑफ द टेम्पल्स के लिए इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मेजरली हिंदू हैं और जैन टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे विंडियन माउंटेन रेंज के आसपास सिचुएटेड है ये और ये जो टैग है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिला था 1986 में नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है और साथ में एक और चीज कि इसे मेनली अलबरूनी और इब्न बतूता ने अपने ट्रैवलॉग्स में इसके बारे में मेंशन किया है तो कौन कौन से ट्रैवलर्स ने इसको मेंशन किया ये भी इम्पोर्टेंट होता है ठीक है तो आप जब भी फिल्मस के लिए पढ़ेंगे ना तो आपको अगर कोई भी कल्चर का आप चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको ये एक स्ट्रक्चर बताया टेम्पल बताया ठीक है तो आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसे होलिस्टिकली देखना है कब बना था किसने बनाया था हिस्ट्री क्या है इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है कि नहीं लोकेशन क्या है आस क्या है कोई रिवर फ्लो करती है क्या आसपास कौन सी आर्किटेक्चरल टाइप है ये सब चीजें अब देखो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम तो देखो आपको पता होगा आर्किटेक्चरल टाइप कौन कौन सी है मेनली इंडिया में एक है नागरा एक है द्रविड़ा एक वेसरा भी है वेसरा लेकिन बहुत कम देखनी जा, देखी जाती है और वो नागरा और द्रविड़ा का ही एक हाइब्रिड वर्जन है तो नागरा जो है वो आपको मोस्टली नॉर्दर्न टेम्पल्स देखने को मिलेंगे इस आर्किटेक्चर के और द्रविड़न जो टेम्पल्स हैं द्रविड़ा टाइप है वो आपको मेनली साउथ में देखने को मिलेगा तो नागरा में देखो बेसिकली क्या होता है एक मेन शिखर होता है जैसे कि ये आपको दिख रहा है एक मेन शिखर है उसके बाद कई सारे मंडप होते हैं ठीक है तो ये ऐसे स्टेप्स के फॉर्म में आपको दिखेगा अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये आपको स्टेप्स के फॉर्म में अलग अलग मंडप्स दिखेंगे शिखर के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको गर्भगृह दिखेगा ठीक है क्लोज एम्बुलेटरी होती है यानी कि जो प्रदक्षिणा पथ होता है जिसके आसपास घूमते हैं मंदिर के अंदर अंदर ही जिस मेन एरिया में जिसके आसपास गोल गोल परिक्रमा करते हैं उसको क्लोज कर रखा जाता है नागरा स्टाइल में और एक हाइट पे बनाया जाता है ठीक है इसलिए इसको जगती बोलते हैं जो हाइट पे बनाया जाता है ना इसको बोलते हैं जगती और काफ़ी सारे स्टेयर्स भी होती हैं इसमें ऊपर एक कलश और अम्लक होता है ठीक है ये दिखाता है सॉवरनिटी को सुपीरियोरिटी को ठीक है तो यहाँ पे हमको इस तरह से पढ़ना है द्रविड़ा में बेसिकली पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं गोपुरम देखने को मिलते हैं गोपुरम मतलब गेटवेज यहाँ पे आपको कोई गेटवेज देखने को नहीं मिलेंगे तो ये हमने पढ़ लिया ये वाला टॉपिक भी सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आज का हमने द हिंदू एनालिसिस कर लिया है अब फिर मिलते हैं अगली बार तो थैंक यू फॉर वॉचिंग